2024 के आईपीएल में 5 टीमें उतरेंगी नए कप्तानों के साथ। नीलामी के बाद सभी टीमों ने अब घोषित कर दिए हैं अपने नए नवेले कप्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1141वां एपिसोड। आज 6 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद सही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, रिटेंशन हो, ट्रेडिंग हो, तमाम रिपोर्ट आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई तमाम खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दिनेश कनेरिया ने बड़ी बात कह दी है आईपीएल 2024 और मुंबई इंडियंस की टीम पर। उन्होंने कहा है रेस्ट बुमराह इन आईपीएल 24। उन्होंने एक बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जसप्रीत बुमराह के हवाले से। उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी बुमराह जरूरी है और अगर टीम इंडिया को बुमराह को लंबा क्रिकेट खिलाना है, मैच विनर के रूप में बड़े आईसीसी इवेंट्स में इस्तेमाल करना है, तो उन्हें 2024 के आईपीएल में खेलने से तो रोकना ही पड़ेगा, आने वाले आईपीएल में भी खेलने से पहले उनको लिमिट करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों दिनेश कनेरिया के अनुसार जसप्रीत बुमराह 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर रहेंगे और अगर भारत जीतती है तो वेस्टइंडीज और अमेरिका की सॉइल पर, धरती पर बुमराह का एक अहम रोल रहेगा, लेकिन अगर आप उन्हें 2024 का आईपीएल खिलाते हैं तो हो सकता है इंजरी के, फिटनेस के इश्यूज हो जाए, वो एग्जॉस्ट हो जाए, वो थक जाए और ऐसी स्थिति में वर्ल्ड कप से पहले भारत को झटका लग सकता है। दिनेश कनेरिया की बात से आप कितना सहमत है, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है वेंकटेश अय्यर के हवाले से। वेंकटेश अय्यर 2024 का आईपीएल खेलेंगे केकेआर की टीम में और आईपीएल से तुरंत पहले एक बड़ी बात, एक बड़ा बयान वेंकटेश अय्यर ने दे दिया। उन्होंने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट डोमिनेटिंग थ्रू माय बॉलिंग टू। मैं अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहा हूं और मैं अपनी गेंदबाजी के जरिए भी 2024 के आईपीएल में सामने वाली टीम को डोमिनेट करूंगा। दरअसल दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने एक तरह से केकेआर की लाइन बोली, एक हिंट दिया है, केकेआर वाले वेंकटेश अय्यर को एज अ ऑलराउंडर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करें और 4 ओवर की स्पिन गेंदबाजी भी प्रोवाइड करें। अब बल्लेबाजी तो सही है लेकिन गेंदबाजी के मामले में आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने वेंकटेश अय्यर का, वेंकी का देखा नहीं है, बट हो सकता है जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का बयान वेंकटेश अय्यर ने दिया है 2024 के आईपीएल में एक प्रॉपर बॉलर के रूप में हमें अय्यर दिख सकते हैं। क्या होगा बाकी 2024 में पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो आईपीएल से तुरंत पहले खत्म हो जाएगा पीएसएल, हो चुकी है डेट्स और शेड्यूल्स की टेंटेटिव घोषणा। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि 17 फरवरी से 17 मार्च तक पीएसएल चलेगा और ये जो पूरा पीएसएल है पाकिस्तान देश में ही होगा। पहले रिपोर्ट यह थी कि जनरल इलेक्शन के चलते, जो कि पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर पीएसएल को कराना पड़ेगा, लेकिन अब रिपोर्ट यह है कि 17 फरवरी से 17 मार्च के बीच में पूरा पीएसएल खत्म हो जाएगा। हालांकि पीएसएल के साथ इश्यूज ज्यादा नहीं है आईपीएल को, क्योंकि मोस्टली आईपीएल के विदेशी प्लेयर्स पीएसएल में खेलते ही नहीं है। पीएसएल में सेकंड ग्रेड के विदेशी प्लेयर्स, चोटिल विदेशी प्लेयर्स, बुजुर्ग विदेशी प्लेयर्स, आउट ऑफ फॉर्म विदेशी प्लेयर्स या फिर ग्रेड सी क्रिकेट खेलने वाले विदेशी प्लेयर्स ज्यादा खेलते हैं पीएसएल में, स्पेशली आईपीएल में टॉप विदेशी प्लेयर्स खेलते हैं, तो वैसे भी क्लैश होता तो इतनी दिक्कत आईपीएल को होती नहीं। दूसरी बड़ी चीज है आईपीएल में पैसा ज्यादा मिलता है विदेशियों को, तो वो पीएसएल छोड़कर आईपीएल में वैसे भी आ ही जाते हैं। लेकिन विंडो की घोषणा हो गई है, इस पर आप अपनी राय जरूर लिखना। 1 महीने में इनकी पूरी लीग हो जाएगी और इसीलिए तो वसीम अकरम बोलते हैं कि भैया कोई कंपैरिजन नहीं है, आईपीएल बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। दिल्ली वो पहली टीम होगी जो 2024 के आईपीएल में नए कप्तान के साथ उतरने वाली है। मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में आपको कि 5 टीमें नीलामी के बाद अब यह तय हो चुका है कि नए कप्तान के साथ उतरेगी। दिल्ली के नए कप्तान 2024 में ऋषभ पंत रहने वाले हैं। आपको बड़ी चीज ये बता दूं दोस्तों कि ऋषभ पंत से पहले 2023 के आईपीएल में डेविड वार्नर इनके कप्तान थे और बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे डेविड वार्नर कप्तानी के मोर्चे पर। तो दिल्ली के लिए ये अच्छी खबर है, इनका कप्तान जो कि इनका विकेट कीपर है,
इंडियन फिनिशर है, सारे रोल निभाते हैं एक साथ, ऋषभ पंत की वापसी हो गई है और ये हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी बात है क्योंकि ऋषभ पंत टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भी जरूरी है, पहली बड़ी चीज। दूसरी बड़ी चीज, जिस तरह का एक्सीडेंट इंजरी, जिस तरह से घायल हुए थे, लगा नहीं था कि ऐसी वापसी होगी बट हुई है, तो अच्छी खबर है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों केकेआर के हवाले से, केकेआर के हवाले से भी बड़ा कंफर्मेशन हो चुका है। गौतम गंभीर नहीं थे इस डिसीजन के पक्ष में, लेकिन उसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर को 2024 के लिए केकेआर वालों ने कप्तान बनाया है। गौतम गंभीर चाहते थे कि नीतीश राणा ही कप्तान रहे, लेकिन केकेआर के बाकी सारे मैनेजर्स ने यह फैसला लिया, केकेआर के मालिकों का भी यही मत था कि श्रेयस अय्यर ज़्यादा अच्छा विकल्प है नीतीश राणा से। नीतीश राणा की कप्तानी पिछले साल बहुत ज़्यादा औसत, बहुत ज़्यादा फ्लॉप टाइप की रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर के मामले में ये कहा जाता है कि लोकल लेवल पर भी और आईपीएल में भी कप्तानी करने का अनुभव रखते हैं, तो केकेआर के लिए मेरे हिसाब से अच्छी खबर है क्योंकि एक अच्छा स्टेबल कप्तान, इंडियन कप्तान मिलना आईपीएल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, केकेआर को मिला है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो बंबई की टीम के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, लंबे अरसे के बाद, 11 अरसे के बाद तीसरी बड़ी टीम बंबई है जो 2024 के आईपीएल में नए कप्तान के साथ उतरेगी। रोहित शर्मा का पत्ता कट चुका है, हार्दिक पांड्या 2024 के आईपीएल में अगर फिट हो जाते हैं तो कन्फर्म है कि मुंबई के कप्तान होंगे, घोषित तो नाम हो ही चुका है, लेकिन जो इश्यूज चल रहे हैं हार्दिक पांड्या के साथ वो इनके एंकल इंजरी के है। अभी की स्थिति में कहा यह जा रहा है कि शायद वो आईपीएल ना खेल पाए, अगर आईपीएल खेले तो एज ए कैप्टन ही खेलेंगे, क्योंकि जब ट्रेड हुए थे तो पता नहीं क्यों ये रीजन दिया उन्होंने कि अगर मैं मुंबई में आऊंगा तो कप्तान बन के ही आऊंगा। मुंबई वालों ने बात मान ली, पेपर पर 15 करोड़ की डील है, पेपर के अलावा क्या डील है नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि अच्छा नहीं हुआ रोहित शर्मा के साथ। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एमआई के नए कप्तान से आप कितना सहमत हो अपनी राय लिखना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी हो सकता है नया कप्तान, अपना उतार दे 2024 के आईपीएल में, क्योंकि पैट कमिंस को 20 करोड़ में खरीदने के बाद वर्ल्ड कप विनिंग पैट कमिंस को कप्तान बना सकती है हैदराबाद की टीम। पिछले साल के आईपीएल में एडन मार्करहाम इनके कप्तान थे और कप्तानी के मोर्चे पर फ्लॉप रहे थे एडन मार्करहाम, लेकिन अब इनके पास विकल्प है क्योंकि आपको वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन मिलता है। बेशक कमिंस ने ओडीआई फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीता हो, लेकिन वर्ल्ड कप होता है, कप्तान कप्तान होता है और जीत जीत होती है, और एडन मार्करहाम से तो अच्छा विकल्प है पैट कमिंस। तो हैदराबाद के हवाले से रिपोर्ट यही है कि नए कप्तान हो सकते हैं द पैटी माइटी पैटी कमिंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरसीबी की टीम भी आठवीं बड़ी रिपोर्ट, नया कप्तान लेकर उतरने वाली है। चार टीमों के नाम देख लिए, पांचवी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। कई सारे सोर्सेस ये चीज की तस्दीक और कंफर्म कर रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम नए कप्तान के रूप में विराट कोहली को देख रही है। आरसीबी के मैनेजमेंट की समय बातचीत विराट के साथ चल रही है और विराट को वापस एज ए कैप्टन आरसीबी का मैनेजमेंट लाना चाहता है। दो बड़े रीजन है, पहला रीजन 52+ उम्रदराज है, 39 ईयर्स के हो चुके हैं, प्लेसिस खुद कह चुके हैं कि अगर वो रीसेंट रिटायरमेंट से वापस आकर टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के हवाले से खेलते हैं तो वो वर्ल्ड कप उनकी जिंदगी का आखिरी कोई भी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट होगा, मतलब उसके बाद वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। उम्र का तकाजा है और विराट के साथ फायदा यह है कि आपको आने वाले 5 सालों तक कप्तान मिलता है और बहुत बड़ा नाम मिलता है कप्तान के रूप में, विराट जैसा नाम मिलता है, तो जाहिर है भैया। और तीसरी बड़ी चीज यह है, विराट तो ब्रांड वैल्यू लेकर आते ही है, फेस बनाना चाहती है आरसीबी एक दफा फिर से विराट कोहली को अपनी टीम का। देखते हैं आगे इस पर क्या रिपोर्ट आती है, इस पर जो भी रिपोर्ट आएगी वो हम आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले बता देंगे। आईपीएल के पर्दे के पीछे की कहानियां टेलीग्राम पर सबसे पहले हम डाल देते हैं, हमने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन आरसीबी पांचवी टीम है, तो पांच टीम है दोस्तों, केकेआर, एमआई, एसआरएसडीसी और आरसीबी, जो कि नए कप्तान के साथ उतरने वाली 2024 के आईपीएल में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीएल हो गया स्पेशली नीलामी के बाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, फाइनली आईसीसी ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल रिवील कर दिया है। 4-5 तारीख से वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली थी, हमने पहले ही कह दिया था। अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो भारत कुल 4 ग्रुप मैचेस इस टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाला है और इंडिया कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को कमजोर मैच होगा, इंडिया के जीतने के चांसेस अच्छे रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ
एक तगड़ा मैच देखने को मिल सकता है अगर पाकिस्तान अच्छी खेली तो 9 जून को न्यूयॉर्क में, फिर यूएसए के खिलाफ भारत 12 जून और कनाडा के खिलाफ 15 जून को वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के मैचेस खेलेगा। इन ग्रुप को देखने के बाद इतना तो भारत के लिए कन्फर्म है कि भारत इस ग्रुप में आगे जाएगा, क्योंकि कनाडा को, यूएसए को और आयरलैंड को हराना भारत के लिए काफी आसान रहेगा। और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान भी हारने वाला है, इंडिया के सामने काफी कमजोर है। तो भैया वर्ल्ड कप के शेड्यूल के लिए एक लाइक तो बनता है। ये शेड्यूल हालांकि हम आपको पहले ही परसों ही बता चुके थे कि किस तरह का ये शेड्यूल रहने वाला है और फाइनली ये शेड्यूल रिवील्ड हुआ, लेकिन इस शेड्यूल के आने के बाद जो सवाल उठ रहा है वो आईपीएल के शेड्यूल पर उठ रहा है, क्योंकि अर्ली स्टार्ट होगा वर्ल्ड कप, 4-5 तारीख से ही स्टार्टिंग हो जाएगी वर्ल्ड कप की। तो आईपीएल का जो फाइनल है वो अराउंड बीसीसीआई को 22 से 25 मई के बीच कराना ही पड़ेगा। लेट फाइनल बीसीसीआई आईपीएल का नहीं करा सकता, अदरवाइज बहुत सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल हो जाएंगे। इंग्लैंड के प्लेयर्स तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो अनअवेलेबल रहेंगे प्लेऑफ्स के दौरान। तो जाहिर है भैया इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम वर्ल्ड कप के चलते आईपीएल के शेड्यूल में आने वाली है बीसीसीआई को, लेकिन भैया वर्ल्ड कप के शेड्यूल के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आखिर भारत के जो मैचेस आएंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि यूएसए और वेस्टइंडीज में होने वाला है वर्ल्ड कप, तो कितने बजे से आएंगे। उसका जवाब आ चुका है दोस्तों, रिपोर्टेडली 8:30 बजे हिंदुस्तान समय अनुसार रात में इंडिया के सारे मैचेस आप देख पाएंगे। मतलब कोई ज्यादा टेंशन वाली बात वर्ल्ड कप में भारत के लिए नहीं है। बेशक अमेरिका में, बेशक वेस्टइंडीज में वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी टाइमिंग्स ऐसी रखी जाएगी कि इंडिया की ऑडियंस के हिसाब से वर्ल्ड कप हो, क्योंकि अगर इंडिया की ऑडियंस ही नहीं देख पाई ना तो वर्ल्ड कप फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि 70% जो व्यूवर्स होते हैं वो हिंदुस्तान के होते हैं किसी भी आईसीसी इवेंट में। और ऐसी स्थिति में भैया अगर आप इंडिया के ऑडियंस को ही नहीं दिखा पाए, रात में 3 बजे मैच कराओगे तो इंडिया में कोई देख नहीं पाएगा, और ऐसी स्थिति में वर्ल्ड कप को फ्लॉप होने से बचाने के लिए टाइमिंग काफी फ्लेक्सिबल है। और अच्छी खबर है 8:30 बजे मैचेस देखने को मिल जाएंगे। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करने लगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा।